नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। अगर आपने 3 लाख से ज्यादा का नगद में लेन देन किया तो आपको 100% पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए बजट में 3 लाख से ज्यादा कैश लेन देन पर रोक लगाने का प्रावधान किया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख कड़िया ने कहा है कि 3 लाख से ज्यादा कैश लेन देन पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 3 लाख या उससे अधिक की रकम लेन देन नगद में करेगा उससे लेन देन के बराबर यानी 100% जुर्माना लिया जाएगा और यह पेनल्टी उससे वसूली जाएगी जो नगद राशि स्वीकार करेगा। हसमुख अदिया ने कहा कि नोटबंदी के बाद खातों में ब्लैक मनी आया है और सरकार ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार सभी बड़े लेन देन पर निगाह रखेगी। नोटबंदी के बाद बैंक अकाउंट्स में खपाई गई अन अकाउंटेड मनी को पकड़ने के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन क्लीन मनी चलाया है। इसके तहत टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 1 करोड़ बैंक खातों की स्क्रूटनी की है और 18 लाख लोगों से फंड का सोर्स बताने को कहा है। आईटी डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी को ऑपरेशन क्लीन मनी लॉन्च किया था। सूत्रों के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट सभी कैटेगरी के बैंक खातों की स्क्रूटनी कर रहा है। इसके बाद संदेह वाले डिपॉजिट पर ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत एसएमएस और ईमेल भेजकर जवाब मांगा जाएगा। जानकारी के मुताबिक डेटा एनालिसिस का काम तेजी से हो रहा है और डिपार्टमेंट के डेटाबेस से उसे मिलाया जाएगा। नोएडा में 37 अरब की ठगी करने वाली कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा है। कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा के 5 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ईडी ने कंपनी के गोदाम, ऑफिस और अभिनव के घर की तलाशी ली और कंपनी के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। इसके अलावा यूपी, एसटीएफ और इनकम टैक्स के अफसरों ने मीटिंग करके जांच को साझा किया। वहीं इस मामले में लखनऊ के ईडी के जोनल दफ्तर में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने 37 अरब से ज्यादा के फ्रॉड का खुलासा किया था। पॉन्जी स्कीम के तहत 7 लाख लोगों ने इस स्कीम में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और अब बात गुजरात के सूरत की, जहां देर रात नोटों की बारिश हुई। जी हां, चौंकिए मत, सूरत में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जमकर पैसे लुटाए। भजन कार्यक्रम के दौरान भजन गायक पर लोगों ने 10 और 20 रुपए के नोटों की बारिश कर दी जो लाखों में थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भजन गायक के आसपास नोटों का ढेर पड़ा है। भजन संध्या का ये कार्यक्रम सूरत के अदाजान इलाके में बन रहे माता के मंदिर के मौके पर आयोजित किया गया। अम्मा की बेहद करीबी रहीं शशिकला का अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। आज विधायकों की बैठक में शशिकला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पनीर सेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक शशिकला 8 या 9 फरवरी को सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। दरअसल बीते साल 5 दिसंबर को जयललिता के निधन के बाद शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाया गया था। तब से ऐसा बहुत हद तक माना जा चुका है कि आने वाले वक्त में वो मुख्यमंत्री पद संभालेंगी। पार्टी के भीतर से ही शशिकला नटराजन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही थी। कहा जा रहा था कि पार्टी और सरकार की कमान अलग अलग हाथों में होना ठीक नहीं है। जयललिता के निधन के बाद पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया। 61 साल की शशिकला तमिलनाडु विधानसभा में विधायक नहीं है। इससे पहले वो पार्टी में किसी भी पद पर नहीं रही। शशिकला को तमिलनाडु में चिनम्मा कहा जाता है। जयललिता को अम्मा कहा जाता था। चिनम्मा का मतलब मां की छोटी बहन होता है। तमिलनाडु के सीएमओ पनीर सेल्वम ने एआईएडीएमके विधायकों और सांसदों की बैठक में अपना इस्तीफा दे दिया। सूत्रों से खबर है कि 9 फरवरी को शशिकला नटराजन सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। इससे पहले शशिकला के घर पर सीएम पनीर सेल्वम के साथ एक बैठक भी हुई।
शशिकला को कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कभी भी इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं किया है, लेकिन एआईएडीएमके ने अपना पूरा सपोर्ट शशिकला को दिया है। आज ही जयललिता के निधन को 2 महीने पूरे हो गए हैं। उनके निधन के बाद ही शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाया गया था। शशिकला 20 साल तक जयललिता की सबसे करीबी रही। 2011 में आरोप लगा कि शशिकला ने जयललिता को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की। इसके बाद जयललिता ने शशिकला को अपने घर और पार्टी से निकाल दिया। शशिकला के माफी मांगने पर जयललिता ने उन्हें दोबारा दोस्त के तौर पर अपना लिया। जयललिता के निधन पर शशिकला ने भी अंतिम संस्कार की कुछ रस्में निभाई। और अब शशिकला के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। एआईएडीएमके पार्टी की महासचिव हैं शशिकला नटराजन। करीब 35 साल से जयललिता की करीबी रहीं। शशिकला को चिनम्मा के नाम से जाना जाता है। वीडियो शॉप चलाती थी शशिकला। उनके पति ने जयललिता से उन्हें मिलवाया था। 1988 में शशिकला अपना घर छोड़कर जयललिता के साथ रहने लगी। शशिकला ही तय करती थी कि कौन जयललिता से मुलाकात करेगा। पार्टी से जुड़े बड़े फैसलों में भी उनका दखल रहा। जया शशि की दोस्ती में 2 बार दरार, पहली बार 1996 में और फिर 2012 में आई। शशिकला के पति एम नटराजन एमजीआर की सरकार में पीआरओ थे। एमजीआर की मौत के बाद शशिकला जयललिता की दोस्ती बढ़ी। शशिकला के एक भतीजे को जयललिता ने गोद लिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में पेंटिंग ब्रश क्या आया, सबको सियासत अलग अलग रंग से नजर आने लगी। दरअसल अटकलें लगाने का मौका भी नीतीश कुमार ने दिया। पटना में उन्होंने कमल की तस्वीर में रंग भरा और अब सब अपने अपने सियासी ब्रश से नमो नीतीश की दोस्ती की नई तस्वीर बनाने में जुट गए। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। नीतीश और नमो की दुश्मनी वाली दोस्ती के मायने तलाशे जा रहे हैं। मुश्किल यही है कि कमल के फूल में रंग भरने से क्या नीतीश नमो के साथ हो जाएंगे। रंग बदलने वाली सियासत पर सियासतदान की ही टिप्पणी सुन लीजिए। रंग को भरने के पीछे वो अपनी राजनीतिक रंग जरूर भर रहे थे कि लालू जी को जरूर बार बार वो दिखाते रहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। मतलब कमल सिर्फ बीजेपी का है क्या? कमल सिर्फ बीजेपी का तो है नहीं। ऐसी बात है तो कई जगह तो लालटेन इस्तेमाल होता है। इस साल राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री से सम्मानित बउआ देवी की तस्वीर में नीतीश ने रंग भरने की कोशिश की। सधे हाथों से उकेरे गए चित्र में नीतीश ने क्या सही से रंग भरा है या फिर सधी हुई सियासत की है? नीतीश के सहयोगी इसे सियासत की नजर से नहीं देखने का दावा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सहयोगी फैसला बीजेपी पर ही छोड़ रहे हैं। गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि प्रमुख साथी दल है, वो और किसको गठबंधन में लाना चाहती है नहीं लाना चाहती है निर्णय अंतोगत्वा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। बउआ देवी ने बनाया, स्पॉन्टेनियस होता है ना। उन्होंने कहा कि इसमें आप रंग भरिए, हम बनाते हैं, आप रंग भरिए, जस्ट टू प्रमोट मधुबनी पेंटिंग। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई राजनीति है। दरअसल सियासत रंग बदलने के लिए जितनी बदनाम है, रंग रंग की सियासत दिखाने वाले सियासतदान उतने ही मशहूर भी हैं। अब इसके मायने क्या है, अटकलें लगाइए, क्योंकि नीतीश को जो रंग पसंद है वो तो भरेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। यूपी के सियासी संग्राम में ट्रिपल तलाक का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कल गाजियाबाद में ट्रिपल तलाक पर बयान देने के बाद आज लखनऊ में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस मुद्दे पर बोले। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी की सरकार अगर यूपी में बनती है तो ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं की राय ली जाएगी और इसे कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
हमने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित 3 तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में उनका पक्ष रखेगी। तो हम मुस्लिम महिलाओं से राय लेंगे उत्तर प्रदेश की, बहुत अच्छी बात है। क्या मायावती जी, क्या राहुल जी और अखिलेश जी अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की पीड़ित महिलाओं की राय लेने की शुमारी करते हैं क्या कि वो भी उत्तर प्रदेश की महिलाओं से राय लेंगे? ये बड़े सवाल है, वो कभी नहीं लेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, कल्याण की नहीं। ये सवाल ईमान और धर्म का नहीं है, ये सवाल है 3 तलाक का, नारी न्याय, नारी समानता, नारी आदर। दुनिया के 20 इस्लामिक देशों ने 3 तलाक को नियंत्रित किया है या समाप्त किया है, तो हिंदुस्तान जो एक सेक्युलर देश है वहां पर 3 तलाक पर चर्चा करना और इसको नियंत्रित करने या समाप्त करने की बात शरिया के खिलाफ कैसे हो गया? कश्मीर में जनमत संग्रह की पाकिस्तान की मांग पर भारत का जोरदार पलटवार हुआ है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को दो टूक कहा कि पहले जनमत संग्रह पाकिस्तान में कराया जाए और पता किया जाए कि वहां की आवाम पाकिस्तान में रहना चाहती है या पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाना चाहती है। रोकिए इसे आतंकवादियों को, रोकिए यह मांग करने वालों को कि कश्मीर को लेकर जनमत संग्रह होना चाहिए। कभी कहते हैं पीओके और कश्मीर दोनों को मिलाकर जनमत संग्रह होना चाहिए, बंद होनी चाहिए पाकिस्तान से यह मांग। हम भी यह सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि जनमत संग्रह होगा तो कश्मीर में जनमत संग्रह नहीं होगा, जनमत संग्रह होना चाहिए तो पाकिस्तान में जनमत संग्रह होना चाहिए, कि पाकिस्तान पाकिस्तान रहना चाहता है तो आप पाकिस्तान के लोग भारत में मिल जाना चाहते हैं, विलय करना चाहते हैं, जनमत संग्रह इस पर होना चाहिए।